देखो फ्री दूध की काला कांता कितनी सुंदर बनी है, कितनी अच्छी लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है, मस्त लग रही है, खाने में पूछो मत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेखा पाठक ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज बनाने जा रही हूँ फ्री दूध की काला कांता। कल मैं मलाई से मक्खन निकाली थी और मक्खन में से ये दूध निकली थी, इसी का मैं काला कंत बनाऊंगी। मैं बनाने जा रही हूँ। देखो मैं लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, गैस जला दी हूँ। गैस अभी मेरा धीमी है। जब इसमें मैं दूध डालूंगी फ्री वाला, उसके बाद मैं गैस को तेज करूंगी। अब इसी में मैं ये दूध डाल देती हूँ। अब गैस को मैं तेज कर देती हूँ। अब मैं इसको चलाते रहूंगी इसी प्रकार। जब उबाल आएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखो ये दूध में उबाल आ गई है। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी। एक कटोरी से थोड़ा सा कम है और आधी कटोरी से थोड़ा ज्यादा है, ये चीनी मैं इसमें डाल दूंगी। इसी प्रकार मैं चलाते रहूंगी। और गैस मेरा फूल है। अब फिर से देखो उबाल आ गई है चीनी डालने के बाद। अब इसमें मैं क्या करूंगी, थोड़ी थोड़ी नींबू का सत है, नींबू का सत भी बोलते हैं, नींबू का फूल भी बोलते हैं, ये मैं थोड़ी थोड़ी इसमें डालते जाऊंगी कभी कभी। अभी डाली हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद फिर डालूंगी। इसी प्रकार मैं एक चुटकी ली हूँ, डाल दूंगी ये सारा इसी में। इसी प्रकार मैं चलाते रहूंगी। अब ये थोड़ी सी बची है, ये भी डाल देती हूँ। बस अब इसको मैं इसी प्रकार चलाते रहूंगी और दूध को सुखाते रहूंगी। देखो नींबू का फूल डालने से इसमें कितनी सुंदर दाना आई है। ये चलाते चलाते चारों तरफ से ये किनारी जो है इसमें मैं खखोर खखोर के इसी में मिलाते जाऊंगी। देखो अब दूध ये गाढ़ी हो रही है। इसी प्रकार से मैं चलाते रहूंगी। जब से मैं दूध डाली हूँ तब से चलाते ही हूँ, इसको कभी छोड़ी नहीं हूँ। अब इसी टाइम में मैं एक चम्मच इलायची पाउडर डालूंगी। अब इसको अच्छे से मिला दूंगी और चलाते रहूंगी। अब देखो इसी टाइम में मैं एक चम्मच घी डालूंगी। बस यही एक चम्मच डालूंगी, इससे ज्यादा नहीं डालूंगी। अब इसको भी अच्छे से मिलाऊंगी। इस टाइम में ये ज्यादा उथल पुथल होती है, थोड़ा सावधानी से चलाने पड़ती है। देखो अब मेरा ये बिल्कुल तैयार होने वाला है। अब थोड़ा सा मैं गैस मध्यम कर देती हूँ, थोड़ी सा और मैं इसको पकाऊंगी, फिर मैं गैस को बंद करूंगी।
अब देखो मैं गैस को बंद करती हूँ। ये मैं एक बर्तन ली हूँ, इसमें घी लगा दी हूँ और इसी में मैं निकालूंगी। इसी में मैं कालाकंत जमाऊंगी। देखो मैं सारा निकाल ली हूँ। अब मैं इसको एक चम्मच में थोड़ा सा घी लगा ली हूँ। अब इसको मैं चिकना कर दूंगी। देखो अच्छे से मैं चिकना कर दी हूँ। अब थोड़ा सा मैं पिस्ता बारीक काट के रखी हूँ, इस पर डाल दूंगी। देखो सारे में मैं पिस्ता डाल दी हूँ। फिर से मैं वही चम्मच ली हूँ। अब इसको हल्का हल्का दबा दूंगी। देखो अच्छे से मैं चम्मच से दबा दी हूँ। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। जब ठंडा हो जाएगी फिर मैं इसको कालाकंत को काटूंगी। देखो ये ठंडा हो गई है। अब मैं इसको चारों तरफ से किनारी छोड़ाऊंगी। ये मैं एक चाकू ली हूँ, इसी से हल्का हल्का इस तरीके से कर दूंगी। चारों तरफ से मैं किनारी छोड़ा दी हूँ। अब मैं इसके ऊपर एक प्लेट रखूंगी। देखो ये प्लेट है, इस तरीका से मैं ढक दूंगी। ढकने के बाद इस तरीके से पलट दूंगी। अब इसको थपथपाऊंगी। फिर से मैं एक प्लेट रखूंगी, फिर मैं इसको पलट दूंगी। देखो कितनी सुंदर फ्री दूध की कालाकंत बनी है। अब मैं इसको काटूंगी। बड़ी सी मैं एक चाकू ली हूं, इसको पहले मैं बीच से काटूंगी। बिल्कुल सॉफ्ट बनी है। अब इसको मैं इस तरीके से घुरा दूंगी। अब इसको भी मैं बीच से ही काटूंगी। अब मैं दूसरे प्लेट में रखती हूँ। देखो कितनी सॉफ्ट कितनी मुलायम बनी है। देखो मैं दूसरे प्लेट में निकाल ली हूँ। अब इसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ डालूंगी कि देखने में सुंदर लगे। देखो फ्री दूध की कालाकंत कितनी सुंदर बनी है, कितनी अच्छी लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है, मस्त लग रही है। खाने में पूछो मत, इतनी स्वादिष्ट ये कालाकंत बनी है कि जिस तरीके से आप दूध के कालाकंत बनाते हो उससे एक कम नहीं बनी है, बहुत टेस्ट बनी है। अगर आप भी दूध से मलाई निकालते हो
तो आप भी एक बार ऐसा ही काला कंत बना के देखो, बहुत स्वाद बनेगी, बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको फ्री दूध की काला कंत अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों से शेयर करने नहीं भूलना, कमेंट जरूर से जरूर करना।